हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम जो सरोजनी नायडू की जो कविता है इंडियन बीवर्स, उस कविता की स्टडी करते हैं। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू दी पोइम पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन बीवर्स वॉज पब्लिश अंडर सेक्शन फॉक सॉन्ग इन दी गोल्डन थ्रेशोल्ड। इंडियन बीवर्स जो है, जो इनकी कविताओं को संग्रह दी गोल्डन थ्रेशोल्ड था, उसमें फॉक सॉन्ग के नाम से प्रकाशित हुई। इट हैज थ्री क्वाट्रेंस, इसमें तीन क्वाट्रेंस हैं। इन ईच स्टेंजा ए क्वेश्चन इज आस्क इन फर्स्ट टू लाइन्स, और प्रत्येक स्टेंजा की पहली दो लाइनों में एक प्रश्न पूछा गया है। एंड इट इज आंसर्ड इन दी नेक्स्ट टू लाइन्स, और अगली दो लाइनों में उत्तर दिया गया है। इट इज एन इंडियन सीन, ये एक भारतीय दृश्य है। दी बीवर्स पर्टिकुलरली इन दी रूरल साइड, जो बुनकर हैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बीव क्लोथ ऑन हैंडलूम, जो चरखों पर कपड़ा बुनते हैं, इन डिफरेंट कलर, भिन्न भिन्न कलर में, पैटर्न में। ए क्वेश्चनर पुट देम क्वेश्चंस, एक प्रश्नकर्ता उनसे प्रश्न पूछता है बुनकरों से, एंड दी बीवर्स आंसर, और बीवर उसका उत्तर देते हैं। इट इज़ एट थ्री डिफरेंट आवर्स, ये तीन भिन्न भिन्न समय हैं, घंटे हैं, दैट द क्वेश्चनर्स आर पुट, जब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है। वन एट ब्रेक ऑफ डे, सुबह का समय। वही नेचर वॉक्स अप, जब प्रकृति जागती है। एंड न्यू लाइफ इमर्ज, और नए जीवन का प्रादुर्भाव होता है। दी अदर एट द फॉल ऑफ नाइट, दूसरा रात्रि का समय है। विच द न्यूली मैरिड कपल्स, जिसका नए जो दंपत्ति होते हैं, नव दंपत्ति होते हैं, ईगरली उत्साह से अवेट इंतजार करते हैं। एंड द लास्ट एट चिल मूनलाइट टाइम, और अंतिम जो समय होता है वो रात्रिकालीन का समय होता है, चंद्रमा की ठंडी रात का समय होता है। दी वर्ड चिल एसोसिएटेड, जो चिल है उसका संबंध है विद कोल्ड स्टिलनेस एप्रेंटिंग डेथ, मृत्यु से। इन दी थ्री स्टेंजा, तीनों स्टेंजा में सरोजनी नायडू हैज गिवन ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सरोजनी नायडू ने एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व किया है ऑफ मैंस जर्नी, आदमी की यात्रा का, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उसके जीवन से लेकर मृत्यु तक। दी बीवर्स आर दी फेट्स इन दी ग्रीक माइथोलॉजी, जो बीवर्स हैं वो फेट्स हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। दी थ्री सिस्टर्स, जो तीन बहनें हैं, क्लोथो, लैचिसिस एंड एट्रोपोस, वीविंग दी थ्रेड्स, जो एक धागे को बुन रही हैं, ऑफ दी बर्थ, जीवन के को, बर्थ माने जन्म का, लाइफ जीवन का, एंड डेथ मृत्यु का, ऑफ मैन। इन इंडियन माइथोलॉजी, भारतीय माइथोलॉजी में दी सिंबल इज ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश, किसका प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ब्रह्मा इज दी गॉड ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा जो है वो गॉड ऑफ क्रिएशन, इस संसार की उत्पत्ति को करने वाला देवता है। विष्णु दी गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, विष्णु जो है वो समृद्धि का देवता है। एंड महेश दी गॉड ऑफ डेथ, और महेश जो है वो मृत्यु का देवता है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता को हम अब लाइन बाई लाइन इसकी स्टडी करते हैं। इंडियन बीवर्स, बीवर्स बीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू बीव ए गारमेंट सो गे। आपको पहले ही बता चुका है कि इंट्रोडक्शन टू दी पोइम में, कि पहली दो लाइनों में जो क्वेश्चन करने वाला है वो बुनकरों से प्रश्न करता है, और अंतिम दो लाइनों में जो बुनकर है वो उसका उत्तर देते हैं। कि बीवर्स बीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, कि जो बुनकर है वो सुबह के समय कपड़ा बुन रहे हैं, और उनसे प्रश्न करता है कि व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, कि इतना जो सुंदर जो कपड़ा है वो आप क्यों बुन रहे हो, किसके लिए बुन रहे हो। ब्लू एज दी विंग ऑफ हल्कॉन वाइल्ड, कि वो कह रहा है कि जो हेल्सियन जो पक्षी है, जो जंगली जो हेल्सियन जो पक्षी है,
उसके पंखों के समान, उसके विंग माने पंख जो उसके नीले हैं उसके समान वो कपड़ा बुन रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, हम ये जो कपड़ा है वो एक नवजात शिशु के लिए बुन रहे हैं। तो पहले स्टेंजा में कवि प्रश्न करता है बुनकरों से कि भाई आप इतना सुंदर जो कपड़ा है वो क्यों बुन रहे हो। फिर जो बुनकर हैं वो खुद कहते हैं कि ये जो कपड़ा है वो हेल्सियन जो पक्षी है उसके जो पंख हैं उनके समान नीला है, और वो ये जो कपड़ा है वो एक नवजात शिशु के लिए बुन रहे हैं। बीवर्स बीबिंग एट फॉल ऑफ नाइट। अब दूसरे स्टेंजा में जो बुनकर है वो रात्रि के समय कपड़ा बुन रहे हैं, और उनको देखकर वही प्रश्न करता प्रश्न पूछता है, व्हाई डू यू बीव ए गारमेंट सो ब्राइट, कि आप इतना चमकीला, ब्राइट माने जो तड़क भड़क वाला होता है, चमकीला जो कपड़ा होता है वो क्यों बुन रहे हो। और वो कहता है कि लाइक दी प्यूम्स ऑफ ए पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, जो किसके समान है, जो मोर के जो पंख हैं उनके समान पर्पल तोतिया कलर का है और ग्रीन हरा। तो वो बुनकर जो है वो जवाब देते हैं कि बी बीप दी मैरिज बेल्स ऑफ ए क्वीन, कि हम इस जो कपड़ा है जो कि मोर के पंखों के समान है उस कपड़े को हम एक नवजात जो वधू है जो दुल्हन है उसके शादी के जोड़े के लिए बुन रहे हैं। तो प्रथम स्टेंजा में तो ब्रह्मा के बारे में बताया गया कि वो भगवान जो है वो उत्पत्ति का देवता है, और दूसरे स्टेंजा में हमें भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है जो कि इस संसार का पालनहार है, पालन करने वाला है। थर्ड स्टेंजा में कभी प्रश्न पूछता है कि बीबर्स बीबिंग सॉल्म एंड स्टिल, कि जो बुनकर हैं बिल्कुल शांति से बिल्कुल शांत कपड़े बुन रहे हैं। फिर उनसे प्रश्न करता है, व्हाई डू यू बीव इन दी मूनलाइट चिल, कि आप इस चंद्रमा की इस ठंडी रात्रि में अंधेरे में तुम क्या बुन रहे हो, मतलब ये जो कपड़ा है वो किसके लिए बुन रहे हो। व्हाइट एज ए फीदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, जो कि पंखों के समान और जो कि बादल के समान क्या है, सफेद है। कि आप जो प्रश्न करता है उनसे पूछता है कि आप ये जो सफेद कपड़ा है वो किसके लिए बुन रहे हो। तो जो प्रश्न करता है वो उत्तर देता है कि बी बीव ए डेड मैंस फ्यूनरल रोड, कि हम इस कपड़े को एक मृत व्यक्ति के कफन के लिए, फ्यूनरल माने होता है दाह संस्कार, श्रोड माने क्या होता है कफन, कि एक मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए बुन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कविता कंप्लीट होती है। प्रथम जो स्टेंजा है उसमें भगवान ब्रह्मा के बारे में बताया गया है कि जो ब्रह्मा है वो इस प्रकृति को बनाने वाला है, इसका निर्माण करने वाला है। तो यहाँ पर जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या है कि एक नई प्रकृति का प्रादुर्भाव है, एक नए युग का प्रादुर्भाव है, अर्थात इस संसार को चलायमान करना। दूसरा जो स्टेंजा है कि जब व्यक्ति का यहाँ पर प्रादुर्भाव हो जाता है, प्रकृति का निर्माण हो जाता है, तो उसको किस प्रकार से संचालित करना है, किस प्रकार से उसका विकास करना है, तो वो काम भगवान विष्णु का है। तो दूसरे स्टेंजा में हमें भगवान विष्णु के बारे में पता लगता है, और तीसरे स्टेंजा में आप पता है कि मृत्यु का जो देवता है वो भगवान शिव है और उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।